subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. विराट कोहली, जैसे मैंने कहा, एक तो स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी थी, स्ट्रांग थी, एग्रेसिव थी, उनको ओपन भेजना, और फिर अपनी फॉर्म का उन्होंने बहुत आला इस्तेमाल किया। शॉर्ट बॉल पे छक्का, चौके लगाए, रिदम क्रिएट किया दोनों बल्लेबाजों ने। सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे उन्होंने बैटिंग किया, बेइंतहा टैलेंट है। ऐसा लगता है कि हर लेंथ पे ये 3 शॉट्स लगा सकते हैं। इम्प्रोवाइजेशन इन्होंने कमाल की। वो तो जॉर्डन ने एक बहुत ही ग्रेट कैच कर लिया, नहीं तो इन्होंने मार मार के हलकान कर देना था इंग्लैंड। टीम इंडिया ने अपना आप दिखाया, जैसे मैंने बात की है, अपनी मैच्योरिटी दिखाई, अपनी अपनी क्लास दिखाई। सब प्लेयरों ने, बैट्समैनों ने क्लास दिखाई, रोहित शर्मा ने दिखाई, विराट कोहली ने थ्रू आउट दिखाई, ये क्लास रही है टीम इंडिया। क्रिकेट रही है बड़ी जबरदस्त तैयारी रही है वर्ल्ड कप की टीम इंडिया के लिए। देखें कि प्लेयर्स धवन जैसे बेंच पे बैठे हैं, के राहुल जैसे बेंच पे बैठे हुए हैं, और शामी जैसा फास्ट बॉलर टीम में नहीं है, उसके बावजूद देखें कि टीम इंडिया नंबर 1 टीम से T20 सीरीज जीती। क्योंकि जो शुरू में रोहित ने मारना शुरू किया, देखो सीनियर प्लेयर्स जो समझदार है ना, कि विराट ने आज क्या समझदारी की, जिस टाइम रोहित शर्मा ने स्टार्ट लिया, दर्द मारना शुरू किया, तो ये नहीं कहते ये कोई छोटा प्लेयर है, इसने ना सिचुएशन को रीड किया कि मुझे इस टाइम विकेट पे स्टे करना, वो स्कोर बन रहा है, जिस तरह बोल गया तो इसका बल्ले में रन करने शुरू कर दिए। तो ये बड़ा जबरदस्त कंबिनेशन था, और विराट इस सीरीज में ओवरऑल बड़ी जबरदस्त फॉर्म में चेंज हुआ है, जिसमें मैच का रुख चेंज किया है, वो भविष्य में कुमार था, क्योंकि जिस तरह की इसने बॉलिंग की है, ने किया, फिर बीच में पंत ने किया, बीच में मनीष पांडे ने किया, सो प्लेयर्स फिट इन। ठीक है, ये भी एक खुशी की बात है कि एक ईशान ने डेब्यू पे रन्स किए, एक और प्लेयर ने डेब्यू पे 50। ऋषभ पंत खेल रहा है पिछले काफी अरसे से, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ है, अभी तक टेस्ट मैच हो, कोई भी फॉर्मेट हो, इज बीन राइट अप देयर परफॉर्मिंग वेल, सो दे ऑल डन वेल। श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी इनिंग खेली है। IPL खेलने के बाद वापस जाएंगे, आपको पता है कि IPL शुरू हो रही है 30 अप्रैल से, फिर वो 9 मई तक जारी रहेगी, तो बहुत सारे मसाइल हैं कि जिनको 9 अप्रैल से शुरू हो रही है IPL, तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। अल्लाह करे कि ये PSL के बतिया 20 मैचेस जो है बहुत से खूबी अपने अख्तितम को। पहले ही हमें सुक्की का सामना करना पड़ा जब PSL के मैचेस जो है वो हमें मुलतवी करने पड़े, तो अब देखते हैं कि होता क्या है। अफ्रीका को हमने यहाँ अपनी सरजमीन पर तो बआसानी हराया, लेकिन साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना इट विल बी अ बिग चैलेंज, क्योंकि 4 T20 है और पाकिस्तान के 3 वनडे है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वो पता है साउथ अफ्रीका में जब इंग्लैंड की टीम अब से चंद माह कब साउथ अफ्रीका में थी, तो वो अपना दौरा अधूरा छोड़कर चली गई थी, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। तो पाकिस्तान की विमेन टीम तो दौरा करके आई है, तो पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा मोहतात होना पड़ेगा। पिछली दफा मोराल की बात भी आई थी कि न्यूजीलैंड के अंदर जो है मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था जब ऐसे मामला सामने आए थे। जब जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई, हमने काफी लीनियंसी दिखाई थी, क्या दीगर बोर्ड भी पाकिस्तान के लिए लीनियंसी दिखाएंगे या PSL को मुलतवी कर देना हमारे गले पड़ा रहेगा कि ये लोग नहीं कर सकते हैं मैनेज? मुश्किल लगता है कि दीगर जो क्रिकेट बोर्ड हैं वो हमारे साथ इतने ज्यादा हम नर्म दिल गोश, लेकिन PSL का हमजा कैंसिल होना यानी मुलतवी होना वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा। फ्रेंचाइजर ने PCB के चेयरमैन के साथ बात करके ये फैसला तो किया है कि जून में कराएंगे। अब देखना ये कि जून में कितने क्रिकेटर्स अवेलेबल होते हैं, फॉरन क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश का काउंटी क्रिकेट सीजन शुरू हो जाएगा और कुछ क्रिकेटर्स। मिर्जा इकबाल बेग साहब, टीम सिलेक्शन के ऊपर इतने ज्यादा सवाल और ऐसी मीडिया दावे आ रहे हैं कि मोहम्मद सीम और बाबर आजम जो हैं उनके दरमियान कुछ चप्पलिश पाई जा रही है, बाबर आजम की बात ही नहीं सुनी गई, शायद मिसबाह की भी बात नहीं सुनी गई। इंजमामुल हक खासे नाराज नजर आए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन्होंने बात की कि ऐसे ही आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम कप्तान ऐसा लेके आएंगे कि जो हर फैसले खुद कर रहा होगा, और फिर कप्तान को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, कितनी सदाकत है और कितना असरअंदाज होगा कप्तानी पर भी ये चीज कि कप्तान की वैल्यू ही नहीं है, कप्तान की बात ही नहीं सुनी जा रही। देखिए सबसे पहले तो हमजा मोहम्मद वसीम की बात करते हैं, पैराशूट के जरिए गुमान में भी ना था कि मोहम्मद वसीम कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे, लेकिन उनकी बड़ी तगड़ी सिफारिशात पर वो चीफ सेलेक्टर बने, और लोग तो उन्हें सॉफ्टवेयर सेलेक्टर कहते हैं कि वो जो है ना वो सारा देखते हैं डाटा वगैरह देखकर और फिर टीम का ऐलान करते हैं। कराची में भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, लाहौर में भी उन्होंने यही किया, लेकिन अगर वो अपनी मनमानी करेंगे, कप्तान वो तो सिपा सलार है, उसे मैदान में लड़ाना है खिलाड़ियों को, अगर उसे नजरअंदाज करेंगे तो यकीनन तनकीद हो गया। अब आप देखें राशिद लतीफ, शोएब अख्तर, इंजमामुल हक, बेशुमार क्रिकेटर्स मोहम्मद वसीम के सिलेक्शन पर तनकीदों के करियर के साथ खेल रहे हैं, तब चांस दे देते हैं जब शायद उनको मैच्योर करने की जरूरत होती है, उन पे काम करने की जरूरत होती है। इतना शोर मचाया कि पाकिस्तान को दूसरा वकार यूनुस मिल गया, बहुत तेज है, कहां चला गया नसीम शाह, मूसा खान आया वो कहां चला गया। इनकंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, जिसकी वजह से लड़कों को ला रहे निकाल रहे, ला रहे निकाल रहे।